नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होगे, नहीं भी होगे तो भी कूल, भी हैप्पी, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों में भी खुशियाँ बांटे। शाम का समय है और डिनर की तैयारी भी करनी है, तो यहाँ पे मैं दाल जो है तुअर की दाल, उसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ कुकर में। और आज हमारा बनाने का प्लान मतलब डिसाइड हुआ था कि पिठोरी, ये एक नॉर्थ इंडियन डिश है और ये मैं भी कभी ज़्यादा बनाई, मतलब मैं बनाई ही नहीं हूँ, ये हमेशा मम्मी जी ही बनाते हैं और मम्मी जी के साथ मैं धीरे धीरे उसको देख के सीख भी रही हूँ। रेसिपी बिल्कुल ही इजी है, शायद आप लोग ने भी कभी बनाई होगी, बट आप लोग कुछ और नाम से जानते होंगे। महाराष्ट्रियन में भी बनाई जाती है, मेरे घर में जहाँ पे मम्मी के यहाँ पे बनती है, तो वहाँ पे बस ये तरीका थोड़ा सा अलग होता है और उसको वहाँ पे दाल चिपड़ा करके बोला जाता है मेरी मम्मी के यहाँ पे। बट यहाँ पे मम्मी जी के हाथ का जो ये पिठोरी डिश है, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है हमारी पूरी फैमिली को, और काफ़ी टेस्टी भी बनता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मतलब गरम गरम। देखो, देखते हैं आगे, देखिए आप क्या बन रहा है। ये यहाँ पे दाल में मैंने हल्दी डाल दी, टमाटर डाल दी और चार पांच मिर्ची भी कट करके डाली हूँ, और एक छोटा सा मतलब टुकड़ा गुड़ डालूंगी, बट इससे मीठा नहीं होगा। बट वो तुअर की दाल में डालना ज़रूरी है क्योंकि दाल जो तुअर की दाल है सबको सूट नहीं करती है, इसलिए गुड़ डाला जा रहा है इसमें। बट बहुत ही कम है, बिल्कुल भी उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा खाते समय कि इसमें किसी ने गुड़ डाला है। यहाँ पे अभी स्नैक्स के लिए बनाने का प्लान है इडली फ्राई, और उसके लिए मैं मिर्ची काट रही हूँ। यहाँ पे कोई तो डब्बा था, वो स्वीट का डब्बा, वो खुल नहीं रहा था, तो उसके सेलो टेप से मैंने उनको मम्मी जी को खोल के दिया। और यहाँ पे तो इडलियाँ फिर अभी ऐसी खाई नहीं जाएगी, तो मैंने सोचा फ्राई कर दूँ चाय के साथ, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा पी लेंगे और वेस्ट भी नहीं होगी। मुझे अन्न को वेस्ट करना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो इडली फ्राई है, ये वैसे भी अपन अगर मिर्ची और धनिया और हींग ये सब डाल के, राई, जीरा ये सब डाल के अच्छे से करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे मेरा हींग का डब्बा, जो छोटा सा डिब्बी है, वो खाली हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा हींग जो है वो इसमें भर के रखा है। मैं हींग इतने सा ही क्यों निकाल के रखती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि हींग की डब्बी रोज़ रोज़ खोलने से उसका जो क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रांगनेस कम हो जाता है, तो इसलिए मैं ओरिजिनल हींग की डब्बी रोज़ नहीं खोलती। इसमें मैं छोटा सा निकाल के रखती हूँ और इसको मैं यूज़ करते रहती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ी तब उसको खोलती हूँ ताकि हींग का जो स्ट्रांगनेस है वो वैसे ही रहे। यहाँ पे मिर्ची, हल्दी, हींग, जीरा, राई सब मैंने डाल दिया है, अच्छे से फ्राई किया है, इडली डाल दी है। अब इडली को वैसे ही उसमें ही मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा शुगर और नमक तो ऑलरेडी उसमें है, तो मैंने नमक नहीं डाला। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। अगर ये ऑलमोस्ट बहुत बेसिक रेसिपी है, हर कोई घर में बनाता है, अगर किसी ने नहीं बनाई हो तो ज़रूर ट्राई करना ताकि आपकी इडली भी वेस्ट नहीं होगी और सब पूरा परिवार बहुत हैप्पीली खाएगा। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप खा सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको ढक्कन रखा था ताकि बाफ के लिए जो भी बर्तन थे थोड़े मोटे, तो वो भी मैं थोड़ा साइड बाय साइड निकाल के उसको साफ़ कर रही थी ताकि ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें ना दिखे। मुझे किचन रोटा जितना अच्छे से क्लीन रहेगा उतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी जी आटा रेडी कर रही है चपाती या रोटी बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मम्मी जी ये कर रहे हैं, तो दोनों के भी दोनों तरफ से सारे काम चलते रहे। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड रखा है ताकि आप लोग को वीडियो का कैसे होता है ना, मेरा टारगेट होता है कि आपको मैं 15 मिनट के अंदर तक सारी चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो शूट करते समय वो एक एक दो दो घंटे का हो जाता है। बट मैं आप लोगों को जितना कम से कम चीज़ें दिखा सकूँ, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ, ये ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, बर्तन जो मैंने घसे थे वो साइड बाय साइड लगा दिए हैं, और जो भी चीज़ें जहाँ की वहाँ रख दो तो फिर याद भी रहती है और मिलती भी तुरंत है।
और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आटा जो बन रहा है ये पिठोरी के लिए बन रहा है, मैंने गलती से बोल दिया था आप लोगों को चपाती के लिए, रोटी के लिए बन रहा है, बट जो हम आज डिश बना रहे पिठोरी उसके लिए ये आटा बन रहा है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग आटा बनाते हैं रोटी के लिए, इसके लिए वैसा ही बन रहा है सेम। अब यहाँ पे मम्मी जी ना नीचे बैठे थे, मम्मी जी सोच रहे थे कि यहाँ से वो बेल के देंगे, तो मैंने उनको बोला कि हम लोग ना एक काम करते हैं ऊपर ही बना लेते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि नीचे कैसे मेरा जो क्या बोलते हैं उसको पुलपाट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा है, चौकी शायद, चौकी बेलन, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो आप लोग थोड़ा समझ के ले लिया कीजिए। मैं बेसिकली महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ तो मेरा मराठी टोन में आपको आता होगा हिंदी। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप नीचे मत बैठिए, मैं फटाफट कर लेती हूँ, हम लोग यहाँ पे ये इसलिए किचन वोटा मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे बेल सकूँ, क्योंकि मेरी चौकी बहुत ही ज़्यादा छोटी है और मेरे को वो छोटे में बहुत टाइम खेलते बैठने को पसंद नहीं है, फटाफट फटाफट करके काम जितनी जल्दी जल्दी हो जाए और जितने कम वक्त में हो जाए वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि अच्छे से क्लीन हुआ है कि नहीं, तो क्लीन हुआ है और यहाँ पे मैं देखो फटाफट फटाफट ये जो है वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में किया है। अब यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड आपको दिखेगा जिसमें मैंने लिखा होगा ओरिजिनल स्पीड, जहाँ पे मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, तो आप ओरिजिनल स्पीड भी यहाँ पे देख सकोगे कि कैसा कितना टाइम लगता है बेलते समय या क्या कितना टाइम लगता है या मैं कैसे बेल रही हूँ। और जहाँ पे ओरिजिनल स्पीड नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी ऐसी रोटी बना के रखी है और इस रोटी को हमें जो है ना एकदम छोटी 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 पूरी टाइप गोल राउंड बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड बनाने के लिए जो छोटी सी पूरी बनाने के लिए और टाइम ना लगे इसके लिए यहाँ पे बड़ी एक रोटी बना के उसको ग्लास से, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ग्लास है, उस ग्लास से उसको कट करके उसका जो बीच में ऐसा पकड़ के चिपका देना है ताकि वो आपको दिखेगा वीडियो में कैसा किया है, दिखा दूंगी। और यहाँ पे जो इससे क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जा रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि और एक इसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे कैसे है ना, ये मम्मी जी देखो कैसे फटाफट फटाफट उसको जोड़ रहे हैं, मुझे इतना फास्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं बनाया, तो उनका वो आदत है तो वो बना रहे हैं और उनका वो बहुत क्विक भी बना रहे हैं और अच्छे से भी लग रहा है उनका, जितना मेरा अच्छे से नहीं लग रहा है, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे वो ये सब बनाते हैं। तो अब दूसरी भी रोटी बेलने के लिए लिए मैंने स्टार्ट की है। यहाँ पे मैं हमारी दाल ऑलमोस्ट हो गई है, तो दाल तो हमने पका के लिए। अब यहाँ पे मैंने ना एप्रन नहीं पहना था तो वो शायद मेरे ड्रेस को लग रहा था आटा, तो मैं जाके एप्रन लेके आई और उसको पहना ताकि आटा जो भी लगना है जो यहाँ पे लगे। और यहाँ पे हमको शायद मम्मी जी चाय रख रहे हैं, हाँ बराबर चाय भी रख रहे हैं साइड में। तब तक मैं यहाँ पे फटाफट ये बेल के फट छोटी छोटी पूरियाँ जितनी जल्दी बन सके बना रही हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये बन जाए क्योंकि दाल तो पक गई है। दाल पकने के बाद जो है इसमें बाकी का काम करना है। मम्मी जी ने साइड में देखो चाय शक्कर डाल के चाय भी बना दी, रख दी, और मैंने यहाँ पे साइड में एक रोटी बेल के पूरियाँ भी बना के रख दी ताकि दोनों तरफ से काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। ये मैंने कभी अकेले नहीं बनाई हूँ, हमेशा मैंने मम्मी जी के साथ ही बनाई हूँ, क्योंकि नहीं कभी मैंने बनाया ऐसा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो ना ये कर रही हूँ आपको दिखे कि कैसे बना रहे मम्मी जी। ओरिजिनल स्पीड भी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, तो ओरिजिनल स्पीड में आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि कैसे किया है। दो उंगलियों के बीच लेके उसको जोड़ दिया है और उसके चार पंखुड़ी बने ऐसा उसको चिपका दिया है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिठोरी को हमने बना के एक ट्रे में और एक थाली में बना के रख दिया है। और अभी हम लोग यहाँ पे जो भी बचा हुआ आटा है उसका एक लास्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ जो भी बन गया है उसको साइड में रख के जो भी आटा वाटा गिरा है उसको सब क्लीन कर रहे हैं, ताकि ये जो भी आटा वाटा जो किचन ओटा को लगा है उससे साफ़ हो जाए। तुरंत ही इसको साफ कर दिया, और यहाँ पे हम लोग चाय भी निकाल रहे हैं, ताकि आज चारों भी साथ में हैं तो फिर चारों के लिए चाय निकाल रही हूँ, ताकि सब साथ रहे तो थोड़ा चाय पीने में भी अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है तो ठीक लगता है। और मम्मी जी ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, कभी कभार पीते हैं, तो जब उनको पीना भी रहता है तो काफ़ी कम चाय पीते हैं, तो इसके लिए फिर मैं उनको चाय देकर आई। और यहाँ पे मैंने जो इडली फ्राई बनाया था वो थोड़ा ठंडा हो गया था इतने टाइम में, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर उनको देके आई। और यहाँ पे जो दाल है वो अच्छे से पक गई, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, मस्त उसमें टमाटर मिर्ची ऑलरेडी मैंने डाला था बहुत अच्छे से। तो अभी इसको कुकर को मैंने साइड में धो के रख भी दिया, और अब इसी कुकर में हमको पिठोरी का जो भी रेसिपी हो बनाना है, और दाल को अच्छे से रवि से अच्छे से ये कर ले रहे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको गैस पे रख के अभी आप आगे देखोगे कि हम लोग का क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दाल इसी में डाल के इसमें और पानी ऐड करना रहेगा, तो उसी में मैं और दाल को डाल के एक डब्बा पानी और ऐड किया। मम्मी जी ने बोला कि नहीं कम पानी है और पानी लगेगा, तो मैंने और पानी डाला और रवि के सहारे से इसको और अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसमें नमक ऐड कर दिया और थोड़ा, क्योंकि पानी डाला है तो नमक भी ऐड करना होगा। और वो उसके बाद जो भी हमने रोटी का पिठोरी बनाया था उसको हमने उसके साथ ऐड कर दिया, और थोड़ा और पानी मम्मी जी ने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के रखा है, और इसमें अभी कुछ मसाले भी जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से इसको तड़का भी लगेगा, तो आगे आपको दिखेगा कि इसमें तड़का क्या क्या यूज़ हुआ है और इसमें मसाले भी क्या क्या डाले हैं। हल्दी तो मैंने ऑलरेडी पकते समय ही डाल दी थी, मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जी ने गरम मसाला और लाल जो मिर्ची पाउडर रहती है उसको थोड़ा थोड़ा डाला और मिक्स कर दिया चम्मच से। यहाँ पे मैं साइड में मैंने तड़के के समय क्या हो गया ना, मैंने कांदा डाला था बट वो वीडियो में आया नहीं, मुझे लगा वीडियो शूट हो रहा है पर वो शूट नहीं हो रहा था तो वो मिस हो गया है यहाँ पे। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होने के बाद उसमें कांदा डाला है, प्याज डाला है और हींग डाला है, राई डाला है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता होगा आपके पास तो कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, और धनिया डालना है तो धनिया भी डाल सकते हैं। मिर्ची ऑलरेडी दाल पकते समय डाली थी तो नहीं डाला, और उसको ऊपर से हमने उसके ऊपर ये कर दिया। तो मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पे हाँ लहसुन भी डाला है, मैं बताना भूल गई, लहसुन भी डाला है और थोड़ा सा तड़के के इसमें तेल ऑयली था तो उसको मिक्स करके उसमें डाल दिया। यहाँ पिठोरी हमारी बन गई थी, तो यहाँ पे हम लोग को पापड़ फ्राई ये करना था, भूजना था, तो मैंने चार पापड़ निकाल के रखे हैं, और यहाँ पे भी पापड़ फ्राई करके हम लोग शायद डिनर करने बैठ ही जाएंगे। तो यहाँ पे चिमटा ढूंढ रही हूँ मैं, गैस नहीं लाइटर ढूंढ रही थी, चिमटा ऑलरेडी था मेरे पास। तो यहाँ पे हमारा पापड़ और फिर पिठोरी, ये हमारा जो डिश है आज के लिए रेडी हो ही गया है। तो अभी यहाँ पे जो है ये जो पापड़ है ना, ये यहाँ के नहीं है, बड़े पापड़ है और मसाला टाइप पापड़, मसाला पापड़ है, ये यहाँ से नहीं है, मुंबई से नहीं खरीदे हैं, ये छिंदवाड़ा से खरीदे थे, मम्मी जी ने वहाँ से लाए थे, और काफ़ी टेस्टी पापड़ है, यहाँ पे ऐसे पापड़ मिलते भी नहीं हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम छिंदवाड़ा गए थे तो हमें काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मम्मी जी को बोला था कि जब भी आप छिंदवाड़ा से आओगे तो ये लेके आ जाना, तो उन्होंने ये पापड़ यहाँ पे भी लाए थे, तो हम लोग कभी कभी ये पापड़ भी बनाते हैं और कभी कभी जो मुंबई के पापड़ है वो भी भूजते, जैसे भी जिसका मूड होगा खाने का उस हिसाब से। तो आज पिठोरी था तो हमने ये वाले पापड़ भूजे है, और ये अच्छे भी लगते भूजने के बाद पापड़, काफ़ी टेस्टी पापड़ होता है ये। और यहाँ पर मेरा हो गया है
सब काम, तो मैं अचार भी ले रही हूँ और थोड़ा सा घी भी ले रही हूँ। यहाँ पे आपको प्लेट में दिखेगा कि कैसे हमने यहाँ पे इसको परोसा है। तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि सब लोग हैं घर में, तो जस्ट प्लेट के वीडियो निकाल के आप लोगों के लिए दिखाना था कि कैसे डिश बनी है ये। तो ये ऐसे दिखेगा पिठोरी, और इसके ऊपर आप घी डाल सकते हो और पापड़ के साथ, अचार के साथ इजी आप ऐसे भी खाओगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगा।